नमस्ते बच्चों। तो आज लेक्चर 9 स्टार्ट करने से पहले हम आपके सामने एक्सरसाइज 8 का डिटेल्ड सॉल्यूशन डिस्प्ले कर रहे हैं। आप इन सॉल्यूशंस को खुद के बनाए हुए सॉल्यूशन से मैच कीजिएगा और फिर अगर कोई डाउट बचता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, या तो मोबाइल पर या फिर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। चलिए, ये है सब्जेक्टिव के सॉल्यूशन और ये हैं आपके सामने ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशंस, और ये फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग रेगुलरली लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत मेरी तरफ से वेल विशेस कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में भी बहुत रेगुलर बेसिस पर मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए, आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिस्कशन कर रहे हैं और हमने इससे पहले दो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, पहला था आर एल वीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दूसरा था डेल्टा टीबी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो समझते हैं इसका मतलब क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में आपने प्योर सॉल्वेंट भर दिया है, जैसे ये वाला कंटेनर, इसमें प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, और दूसरा कंटेनर में सॉल्वेंट तो भरा ही आपने, साथ में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे कि आपने यूरिया वगैरह कुछ, या शुगर, या फिर सॉल्ट, या और भी दूसरा कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होना चाहिए, ये आपने ऐड कर दिया है। इसमें क्या है, पहले कंटेनर में सॉल्वेंट है और दूसरे में सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट है। तो आप देखोगे, अगर ये सॉल्वेंट आपका वाटर है, क्या है सॉल्वेंट, H2O है। अगर ये सॉल्वेंट वाटर है और आप वाटर को चाहते हो इसको फ्रिज करना, क्या करना है आपको, आपको करना है फ्रिज, दोनों कंटेनर में जो लिक्विड है उसको फ्रिज करना है, यानी उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना है। तो आप देखोगे कि जब प्योर वाटर है तो इसको फ्रिज करने के लिए इस कंटेनर को ठंडा करोगे, तो ठंडा करते करते जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आओगे तो ये फ्रिज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसमें सोल्यूशन है, इसको 0 डिग्री और कम, फॉर एग्जाम्पल जो हो सकता है आपको -1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर इससे भी कम हो सकता है टेम्परेचर लाना पड़े ताकि ये फ्रिज हो सके, ताकि ये जो सोल्यूशन कंटेनर है इसका लिक्विड फ्रिज हो सके। तो ये जो बच्चों देखिए कि सॉल्वेंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रिज हो रहा था, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया, तो ये जो कमी आया है फ्रीजिंग पॉइंट में, इसी को बोलते हैं क्या, डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब कम हो जाना, डिक्रीमेंट, ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसका जो सिंबल हम लोग यूज करते हैं, लिखते हैं, ये लिखते हैं डेल्टा टी एफ। देखिए, यहाँ ऊपर में टॉप राइट कॉर्नर में डेल्टा टी एफ है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सिंबल। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, डेल्टा टी एफ का मतलब है इज इक्वल टू इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट। इनिशियल मतलब सॉल्वेंट का, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट, एफ पी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि ये सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट था, और माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये वैल्यू जो कहलाता है वो कहलाता है डेल्टा टी एफ। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें, ये वाला जो एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, इसमें अगर कोई पूछे कि सॉल्वेंट आपका बॉयल हो रहा था कितने, सॉरी फ्रिज हो रहा था कितने डिग्री पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉल्यूशन फ्रिज हो रहा है 1 -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो डेल्टा टी एफ कितना हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट का कितना डिक्रीमेंट आया है, तो वो आया है, देखिए शुरुआत में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, ये 0 था, तो 0 और माइनस, और ये कितना फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया सॉल्यूशन का, 1, तो 0 -1 ये आ गया, ये 1 और डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बच्चों, कल हमने एक और बात किया था कि अगर ये जो डेल्टा टी एफ निकाले हैं, कल हमने डेल्टा टीबी के बारे में बात किया था, सॉरी, तो कल हमने डेल्टा टीबी निकाला था, तो हमने देखा था कि जो टेम्परेचर का चेंज होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड हो या फिर केल्विन में बराबर हो,
तो अगर कोई पूछे कि डेल्टा टी एफ का वैल्यू केल्विन में कितना हुआ, तो चलिए इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितना केल्विन हुआ, तो ये हो गया 273 केल्विन, और -1 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये माइनस हो गया, और -1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना केल्विन हुआ, तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है आपका ये हो गया 272 केल्विन। तो ये जो वैल्यू आया है आपका, ये आ गया डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो कितना हो गया 1 केल्विन। यानी कि जो टेम्परेचर का चेंज होता है वो केल्विन में हो और या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में हो, ये टेम्परेचर का चेंज दोनों केसेस में बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन से रिलेटेड अब हम लोग दो महत्वपूर्ण बात, दो इम्पॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। पहला तो ये कि हाउ मच, हाउ मच का मतलब, हाउ मच का मतलब जैसे आपने 1 kg वाटर लिया, इसमें अगर मान लो 1 मोल मिला दिया आपने सोल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल है, तो 1 मोल सोल्यूट मिलाया तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम होगा, यानी कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम होकर के कितना तक जाएगा। या फिर अगर आपने 2 मोल सोल्यूट मिला दिया 1 kg वाटर में, तो फिर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है तो वहां से कहां तक जाएगा, तो इसको बोलते हैं क्वांटिफाई करना, हाउ मच कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात है वो है कि कैसे होता है, सॉरी कैसे नहीं, क्यों होता है, व्हाई, आखिर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मिलाने से, वोलाटाइल सोल्यूट मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग ढूंढेंगे। चलिए तो पहले हम लोग पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा, हाउ मच। तो बच्चों आपको हम एक बार कल के क्लास का थोड़ा सा रिमाइंड करा रहे हैं, जो लास्ट क्लास था हमने उसमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात किया कि डेल्टा टीबी जो बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, सोल्यूट के मोलालिटी, और फिर यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया था तो हमने बोला था एक कांस्टेंट आता है के बी और इनटू मोलालिटी। तो इस तरीके से हमने क्वांटिफाई किया था किसको, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन को, कि बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ेगा तो डिपेंड करेगा मोलालिटी पर। तो बच्चों वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के जो डिप्रेशन है उसमें जो कमी उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि डेल्टा टी एफ इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी, एंड अगर आप ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, तो पहले कॉन्स्टेंट के बी बोलते थे, अब के कॉन्स्टेंट को बोलेंगे के एफ इंटू मोलालिटी का सिंबल यूज कर लेते हैं स्मॉल एम। ठीक है, के एफ, के एफ का क्या नाम कहलाएगा, तो के एफ कहलाएगा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जो कम हो रहा है उसके फॉर्मूला में आने वाला कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। याद आ रहा है कल हमने ऐसे ही अलग अलग नाम के बी के पढ़े थे, तो वैसे ही इसके भी अलग अलग नाम है। दूसरा है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, और तीसरा है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, तब हम लोग बात करते हैं इसके यूनिट के बारे में। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलालिटी, और जो के एफ का यूनिट हो जाएगा के एफ इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई मोलालिटी। डेल्टा टी एफ है फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज, तो यानी इसका यूनिट हो गया केल्विन, और डिवाइड बाय मोलालिटी, मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, तो आंसर क्या आ जाएगा यूनिट का, के एफ का यूनिट हो जाएगा केल्विन, एक केजी न्यूमिनेटर में चला जाएगा पर मोल। तो ये ध्यान रखना यूनिट आपको के एफ का, क्या यूनिट है, केल्विन केजी पर मोल।
ठीक है, केएफ का यूनिट हर एक बच्चे को ध्यान रहना चाहिए, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो बच्चों इसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंदन करने के लिए, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका डेल्टा टीएफ का क्वांटिफिकेशन कैसे किया जाए, इसी कॉन्सेप्ट को स्ट्रेंदन करने के लिए हम लोग अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने देखिए बच्चों एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, वो है कैलकुलेट दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, जिसमें क्या है 1 मोल यूरिया, और यूरिया बोल दिया गया है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है। बच्चों देखो, अगर नहीं भी बोला जाए तो आपको हमेशा यूरिया को क्या मानना है, नॉन वोलाटाइल मानना है। किसमें मिलाया गया है, तो 1 kg ऑफ वाटर में, और वाटर का केएफ दिया हुआ है आपको 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करेंगे और फिर मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जिसका सॉल्यूशन होने वाला है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी। चलिए केएफ का वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो केएफ है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, और मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल कितना है, तो ये देखिए सोल्यूट के मोल है 1 मोल, 1 मोल सोल्यूट है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट का मास कितना है 1 kg ऑफ वाटर डिवाइड बाय 1 kg। तो आप देखोगे यहाँ पर केजी से कैंसिल हो गया केजी, मोल से कैंसिल हो गया मोल, और ये आंसर आ गया आपका 1.86 केल्विन। ठीक है, इतना कम हो गया है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का। अब वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, एफपी ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो ये होता है 273 केल्विन, अगर केल्विन में बात किया जाए, और सेंटीग्रेड में होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, एफपी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे थोड़ा सा कम, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट था प्योर वाटर का 273, ये हो गया 273 केल्विन माइनस 1.86 केल्विन। तो आंसर कितना आ गया, यहाँ से आंसर आ गया आपका 271.14 केल्विन। अब इसको चाहें तो आप सेंटीग्रेड में बदल भी सकते हैं और नहीं भी बदल सकते, तो ये आपका आंसर हो गया सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271.14 केल्विन। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो है व्हाट मास ऑफ आयोडीन, आयोडीन का मास पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट मास ऑफ आयोडीन नीडेड टू रिड्यूस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1000 ग्राम, यानी 1 kg, बेसिकली 1 kg बेंजीन, यानी बेंजीन एक सॉल्वेंट है, कैसे, क्योंकि बेंजीन के फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, तो बेंजीन ही सॉल्वेंट होगा, 2-3.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेंजीन के फ्रीजिंग पॉइंट को कहाँ तक लाना है आपको, 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना है। तो बेंजीन का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो लिखा हुआ है इधर देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट एंड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट यानी कि के एफ ऑफ प्योर बेंजीन आर, फ्रीजिंग पॉइंट है बेंजीन का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको कम करके 3.5 तक ले जाना है आपको, और फिर ये है 5 kF का जो वैल्यू है 5 केल्विन kg पर मोल। तो ये क्वेश्चन आप सभी लोग सॉल्व करेंगे। आयोडीन का फॉर्मूला होता है I2, आयोडीन का फॉर्मूला क्या होता है I2, और इसका मोलर मास, आयोडीन का एटॉमिक मास होता है 127, इंटू 2 कर देंगे तो मोलर मास आ जाएगा कितना आ गया, ये आ गया 254। ठीक है, ये ग्राम पर मोल में आ गया आयोडीन का मोलर मास। ठीक है, ये वैल्यू हमने आपको दे दिया, तो आपको फिर से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और फिर मेरा सोल्यूशन देखना है। तो देखिए हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, फिर वही करना है हमें, डेल्टा टी एफ इस बार दिया हुआ है, डेल्टा टी एफ ये होता है के एफ इंटू मोलैलिटी, ठीक है, स्मॉल एम मतलब मोलैलिटी। इस बार फॉर्चुनेटली डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, तो कितना है फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, तो ये है 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 3.5,
तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ हम कैलकुलेट कर लें तो ये है 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो गया, कितना आया है 3.5, तो इतना कम हुआ, ये है डेल्टा टी एफ, ठीक है, और इज इक्वल टू के एफ इंटू एम है, तो के एफ का भी वैल्यू हम रख देते हैं इस क्वेश्चन में, के एफ का वैल्यू है 5 केल्विन केजी पर मोल, और मोलैलिटी कितना है, तो मोलैलिटी यानी कि आपको मोल ऑफ सोल्यूट, एन सोल्यूट, सोल्यूट क्या है आयोडीन है, एन आयोडीन, मोल ऑफ आयोडीन बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्वेंट है आपका बेंजीन और उसका मास दिया हुआ है कितना 1000 ग्राम यानी 1 केजी, तो ये 1 केजी, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा मोल ऑफ बेंजीन और फिर मोल ऑफ बेंजीन से निकल जाएगा मास ऑफ बेंजीन। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए ये जो आपका इधर आया है वैल्यू डेल्टा टी एफ का, ये आया है डिग्री सेंटीग्रेड में, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.5 से 3.5 यानी कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन। लेकिन हमको पता है कि जो टेम्परेचर का चेंज होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में बराबर होता है, इसीलिए हम डिग्री सेंटीग्रेड को मिटा दे रहे हैं और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2 केल्विन, ठीक है, ये बात सबको ध्यान आ जाना चाहिए कि डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर का चेंज होता है वही चेंज किस में होता है, केल्विन में होता है, ठीक है, वो बराबर होते हैं ये वैल्यूज, तो यहाँ से आ गया 2 केल्विन इज इक्वल टू, राइट साइड में आपका आंसर आ गया, देखिए यहाँ पर ये केजी से केजी चला गया और ये आंसर आ गया 5 केल्विन, 5 केल्विन पर मोल इनटू मोल ऑफ आयोडीन, तो यहाँ से देखिए ये केल्विन से एक केल्विन भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, मोल ऑफ आयोडीन इज इक्वल टू मोल ऑफ आयोडीन Ni2 इज इक्वल टू 2/5 मोल, ठीक है, 2/5 मोल आ गया आयोडीन का। अब आपको आयोडीन का मास निकालना है, यहाँ से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, मास ऑफ आयोडीन Ni2 इज इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, 2/5 मोल इंटू मोलर मास कितना है, वो है 254 ग्राम पर मोल, तो यहाँ से आपको आयोडीन का मास ग्राम में निकल करके आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 101.6 ग्राम, ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा और केएफ के बारे में जानते हैं, मोर अबाउट केएफ, केएफ के बारे में थोड़ा सा और जानकारी जुटाते हैं। तो पहले बता दें कि केएफ जो होता है ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है, केएफ किसका प्रॉपर्टी है, तो केएफ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मतलब कि वाटर के लिए केएफ अलग होगा, एल्कोहल का केएफ अलग होगा, ठीक है ना, अब वाटर में आप नमक मिलाओ, वाटर में यूरिया मिलाओ, सोल्यूट कुछ भी मिला दो, वो नमक हो या यूरिया हो, उससे केएफ का वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, केएफ किसका बिहेवियर है, तो केएफ वाटर यानी सॉल्वेंट का बिहेवियर है, एल्कोहल का बिहेवियर है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, केएफ को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कैसे किया जाए, तो देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है केएफ इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू मोलैलिटी एम, आपको केएफ एक्सपेरिमेंट करके पता करना है, एक्सपेरिमेंटली केएफ निकालना है, तब क्या करोगे, मोलैलिटी ले लो 1, मोलैलिटी 1 लेने का मतलब 1 मोल सोल्यूट ले लो, 1 मोल यूरिया ले लो, और सॉल्वेंट कितना लोगे, 1 केजी वाटर में मिला दो, 1 केजी सॉल्वेंट ले लो, तो जब मोलैलिटी 1 ले लेंगे तो डेल्टा टीएफ जो है आपका हो जाएगा केएफ के बराबर इंटू 1, तो देखिए मोलैलिटी 1 लेकर के डेल्टा टीएफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन होगा, जो कमी आएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, केएफ के बराबर हो जाएगा, इसीलिए केएफ का एक और एक जो नाम है वो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट का मतलब आप समझ गए होंगे, क्यों, क्योंकि जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो, कितनी हो मोलैलिटी, जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 हो तब
जितना डेल्टा टी एफ होता है, जब फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन होता है उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू के एफ के बराबर होता है, इसी नियम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अब चलिए आपको थोड़ा सा हम याद दिलाते हैं कि कल हमने एक फार्मूला पढ़ा था केबी के बारे में, याद आ रहा है? केबी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर बाय एलवी। ये केबी को कैलकुलेट करने का एक एम्पिरिकल फार्मूला था। ऐसा ही एक फॉर्मूला केएफ के लिए भी होता है। तो केएफ को थियोरेटिकली इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। वो फॉर्मूला है क्या कि केएफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर बाय एल एफ। अब बोलेंगे इसमें आर टी एफ स्क्वायर बाय एल एफ ये सब क्या है? तो देखिए आर तो बहुत क्लियर है, आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जिसका वैल्यू कल हमने बताया था होता है 0.082 लीटर एटमोसफेयर पर मोल केल्विन, ठीक है ना? और दूसरा यूनिट इसका जूल में होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, और तीसरा यूनिट होता है 1.99 कैलोरी में, कैलोरी पर मोल केल्विन। ये 1.99 को आप 2 भी लिख सकते हो, 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ठीक है? तो आर का ये वैल्यू हो गया। इसमें देखिए टीएफ क्या है, तो टीएफ है नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, किसका? सॉल्वेंट का। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, एफपी मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन ये इसका यूनिट क्या रखना है, तो केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट लेना है आपको, ठीक है ना? नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन के केल्विन। और एक क्वांटिटी है क्या, एल एफ। एल एफ है, देखिए एल एफ जैसा एक और क्वांटिटी आपने सुना होगा, इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन, या इसका नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर इनथैल्पी ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच एफ, सुना होगा आपने ये। इसका मतलब क्या हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है कि वन यूनिट मास ले लो, क्या वन यूनिट मास, किसका लेना है वन यूनिट मास, तो आपको सॉल्वेंट लेना है, लिक्विड सॉल्वेंट, वन यूनिट मास सॉल्वेंट जो कि लिक्विड रहेगा उसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, सॉलिड में। तो लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, तो जो एनर्जी रिलीज होगा इस प्रोसेस में, जो एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज्ड इज इक्वल टू, यही कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का भी अलग अलग यूनिट हो सकता है, जैसे इसका यूनिट हो सकता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का कि कुछ इसका यूनिट होगा कैलोरी पर ग्राम हो सकता है, या हो सकता है जूल पर ग्राम, ऐसा अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, या जूल पर या किलो जूल पर किलोग्राम भी हो सकता है पर केजी, तो ये अलग अलग यूनिट्स हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करने में बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है आपको, वो क्या कि आपको एल एफ का जो यूनिट है, एल एफ का यूनिट और आर का यूनिट कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि एल एफ और आर का यूनिट इस तरीके से यूज करोगे कि के एफ का यूनिट निकल करके आ जाए केल्विन केजी पर मोल। ये बस ध्यान रखना है कि एल एफ और आर का यूनिट इस तरीके से यूज करना है कि के एफ का यूनिट आ जाए केल्विन केजी पर मोल। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा एक्चुअली। तो देखिए बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, कैलकुलेट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मतलब केएफ कैलकुलेट करने पूछा जा रहा है। किसके लिए? वाटर, वाटर जो कि एक सॉल्वेंट है। क्या क्या दिया हुआ है, इफ इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80 कैलोरी पर ग्राम, तो केएफ आपको निकालना है। चलिए आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए और फिर सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहले, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है केएफ का। क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है आर टी एफ स्क्वायर बाय एल एफ। अब इसके वैल्यूज रखने हैं और हमें ध्यान रखना है कि केएफ का जो यूनिट आना चाहिए किसमें आना चाहिए, ये आना चाहिए केल्विन केजी पर मोल, ठीक है? चलिए आर का वैल्यू हमें पता है
तो एल एफ का वैल्यू सबसे पहले रख देते हैं। तो एल एफ का वैल्यू क्या है? एल एफ का वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम। तब आर एल एफ का वैल्यू जैसे ही आपने कैलोरी में रखा था, आपको समझ में आ गया होगा आर का वैल्यू रखना है कैलोरी में। तो देखिए सिंपलिसिटी के लिए हम 1.99 जगह पर लिख देते हैं 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, ये आर का वैल्यू है, ठीक है। और इधर रखना है टी एफ, वाटर का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है केल्विन में, तो उसको हम ले लेते हैं 273 केल्विन। हालांकि होता है 273.15, 273.15 होता है, लेकिन हम लोग 273 मान करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो 273 केल्विन का स्क्वायर कर देना है। अब पहले हम यूनिट मैच करा लेते हैं, क्या लेफ्ट साइड का जो यूनिट है राइट साइड भी यही यूनिट आने वाला है, तो देखते हैं। चलिए तो आप देखिए यहां पर आपका ये है केल्विन, इधर एक है और इधर 2 केल्विन है, तो ये केल्विन 1 केल्विन बचा रहेगा, तो केल्विन तो आपका आ गया। कैलोरी से कैलोरी कट जाएगा, ठीक है, कैलोरी से कैलोरी भी कट गया। डिवाइड बाय मोल, मोल आपका नीचे में डिनोमिनेटर में रहेगा, तो मोल इधर है। अब बचा ये जो पर ग्राम है, कैलोरी पर ग्राम, अभी इधर आपको क्या चाहिए यूनिट केजी, तो ये ग्राम अगर न्यूमिनेटर में जाएगा तो ग्राम रहेगा। कैलोरी पर ग्राम को हमको कैलोरी पर केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं कन्वर्ट। तो आगे क्या है देखिए, ये हो गया आपका 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, आर का वैल्यू इंटू 273 केल्विन का स्क्वायर कर दिए और डिवाइड बाय, देखिएगा तो आपके सामने वैल्यू क्या है, वैल्यू है 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी कि इसका मतलब समझा जाए, 80 कैलोरी पर ग्राम का मतलब हुआ कि 80 कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ना, यानी कि ये एनर्जी रिलीज होता है कब, जब 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, सॉलिड में, ठीक है ना। तो 1 ग्राम लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो 80 कैलोरी एनर्जी रिलीज होता है। तो यहीं पर अगर आप 1 ग्राम की जगह पर क्या कर लें, 1 ग्राम की जगह पर क्या कर लें, आप 1 ग्राम की जगह पर 1000 ग्राम अगर रिलीज करवा दें, सॉरी 1000 ग्राम लिक्विड ले लें, यानी कि 1 kg लिक्विड ले लें, तो 80 कैलोरी से ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, कितना होगा, 80,000 हो जाएगा। ये हो गया 80,000। तो 80,000 कैलोरी ले लेंगे तो आपका 1000 ग्राम लिक्विड फ्रिज हो जाएगा, यानी कि 1 kg लिक्विड फ्रिज हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं देखिए, दिस इज इक्वल टू, यहां पर जो वैल्यू रखना है आपको, ये वैल्यू रखना है 1000 × 80 कैलोरी और तब नीचे क्या आ गया, पर केजी, ठीक है। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अब आपका आंसर यूनिट के साथ कंसिस्टेंट रहेगा और वो आंसर आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1.86 केल्विन kg पर मोल। ये आपका आंसर आ गया, क्या आंसर है, 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। अब देखिए हमने किया क्या है इस क्वेश्चन में, हमने किया ये है कि यहां पर हमने वैल्यू लिया है आर का, ये वैल्यू है टी एफ का और ये वैल्यू एल एफ का है डायरेक्टली, जो कि कैलोरी पर ग्राम में। हमने इस फॉर्मूले में बस एक चीज मॉडिफाई किया, देखिए क्या किया हमने, के एफ इज इक्वल टू आर का वैल्यू तो एज इट इज रखा है, आर टी एफ स्क्वायर भी एज इट इज रखा है, एल एफ का वैल्यू दिया हुआ था कैलोरी पर ग्राम में, ये 80 क्या था, कैलोरी पर ग्राम में एल एफ का वैल्यू दिया हुआ था, उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1000 LF किया है, जिसमें एल एफ क्या है, ये कैलोरी पर ग्राम में है। तो देखिए कुछ बुक क्या करता है, इसी को फॉर्मूला बनाता है और बोलता है कि भैया तुम याद रख लेना, क्या याद रखोगे, तुमको याद रखना है कि एल एफ का वैल्यू रहना चाहिए किसमें, कैलोरी पर ग्राम में। लेकिन हम बच्चों को ये फॉर्मूला यूज करने का रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो फॉर्मूला है, देखिए ये वाला जो आपका फॉर्मूला है यहां पर, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप यूज कीजिए और यूनिट आप खुद से देखिए ना, आपको इतना इंटेलिजेंस लगाना होगा कि यूनिट खुद से देख करके कंसिस्टेंट यूनिट में के एफ का आंसर ले आए।
तो इसमें आप कभी फंसेंगे नहीं। अदरवाइज आपको याद रखना पड़ेगा कि एलएफ का वैल्यू यहाँ पर किस में होना चाहिए, कैलोरी पर ग्राम में। कभी यूनिट चेंज कर दिया तो फिर फॉर्मूला चेंज फिर से चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, इसको आप ध्यान रखिए, और यूनिट कंसिस्टेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, एक और क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, वो है कैलकुलेट दी क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ लिक्विड हैविंग फ्रीजिंग पॉइंट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 6 किलो जूल पर मोल। ये किसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है? तो वही लिक्विड जिसका केएफ पूछा जा रहा है आपसे, और उसी लिक्विड का मोलर मास भी दिया हुआ है। मोलर मास कितना है? 50 ग्राम पर मोल। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन कल हमने पूछा था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट केवी के बारे में एक ब्रेन टीजर में। तो ये क्वेश्चन हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर किसी को केवी वाला क्वेश्चन में, सॉरी, कल हमने केवी के बारे में पूछा था, केवी वाले क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो वो भी अब आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके पहले ये जो आंसर है इसको लाने का कोशिश कीजिए, अगर नहीं आता आंसर तब सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए सॉल्यूशन है बहुत ही आसान इस क्वेश्चन का भी। करना क्या होगा आपको, सबसे पहले केएफ का फॉर्मूला लिख लेना है। केएफ का फॉर्मूला होता है आर टी एफ स्क्वायर बाय एल एफ, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले एल एफ का वैल्यू लिख लीजिए। तो एल एफ का वैल्यू लिखने से क्या होगा, आपको आर का कौन सा यूनिट यूज करना है वो पता चलेगा। तो एल एफ है 6 किलो जूल पर मोल, तो इसको करते हैं ऐसा यूनिट में लिख देते हैं कि ये 6 किलो जूल की जगह पर हो जाएगा 6000 जूल पर मोल। तो ये एल एफ का वैल्यू आ गया। और फिर आर का देखिए, इधर जूल है तो आर का वैल्यू आप यूज कर लेंगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और इनटू टीएफ, फ्रीजिंग पॉइंट देखिए 27 डिग्री यानी कि सेंटीग्रेड में है, केल्विन में बदलेंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। तो हो गया 300 केल्विन और इसका स्क्वायर कर दिया आपने। अब आपको चुपके से एक बात देख लेना है क्या, कि ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या केएफ का यूनिट केल्विन केजी पर मोल निकल के आएगा? अगर नहीं आएगा तो इधर हमको कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो देखते हैं एक बार, देखिए तो यहाँ पर आपका जो आर का वैल्यू है, यहाँ ये जूल से ये वाला जूल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये जो केल्विन है यहाँ पर केल्विन स्क्वायर है तो केल्विन बचेगा, तो केल्विन तो आ गया आपका। और क्या है ये पर मोल, इधर देखिए आर के यूनिट में तो पर मोल भी आ गया। अब आपका केजी किधर से आएगा, तो केजी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो ये जो 6000 है ना, ये वाला वैल्यू, ये जो है 6000 जूल पर मोल, ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कुछ वैल्यू एक्स आ जाएगा, एक्स जूल पर केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो आप देखेंगे तो आपको आंसर इधर केजी में भी आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पूरा फोकस इस पर लगाते हैं कि कैसे ये 6000 जूल पर मोल को, सॉरी जूल पर मोल को एक्स जूल पर केजी बना लिया जाए, ठीक है। तो देखिए बच्चों हमारे पास है 6000 जूल पर मोल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वन मोल सॉल्वेंट अगर हम लोग लेते हैं उसको लिक्विड से कन्वर्ट करते हैं किसमें, सॉलिड में, तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, तो ये रिलीज होता है 6000। हमको पता करना है कि अगर वन मोल की जगह पर कितना ले लें, तो 1 kg ले लेंगे। 1 kg लिक्विड को अगर सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना एनर्जी निकलेगा, तो यही आ जाएगा क्या, जूल पर केजी में आ जाएगा। तो देखिए वन मोल जो सॉल्वेंट है वो कितना सॉल्वेंट, कितना केजी या कितना ग्राम है, हमें पता है कि वो 50 ग्राम सॉल्वेंट है। कितना है, 50 ग्राम। मोलर मास देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 ग्राम पर मोल, तो 50 ग्राम लिक्विड को आप सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 6000। तो अगर आप देखिए यहां से यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 50 ग्राम लिक्विड को कन्वर्ट किया सॉलिड में तो आपको एनर्जी लग गया 6000 जूल, इसीलिए आंसर है 6000, इसीलिए इसकी वैल्यू है 6000 जूल पर मोल। तो वहीं पे अगर आप 50 ग्राम जगह पर अगर 1 ग्राम लें तो कितना होगा, तो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा वो होगा 6000 जूल बाय 50।
और अगर आप 1 ग्राम के जगह पर 1000 ग्राम ले लें, यानी 1 kg ले लें, तो कितना एनर्जी लगेगा? ये हो जाएगा 6000 जूल बाय 50, और ये इतना आंसर आ जाएगा 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो ये आंसर आपका आ गया इधर से 12 × 10⁴ हो गया। तो बेसिकली आपका जो 6000 जूल पर मोल था उसके करस्पॉन्डिंग क्वांटिटी मिल गया 12 × 10⁴ जूल पर केजी, और 6000 जूल पर मोल की जगह पर हमें 12 × 10⁶ जूल पर केजी वाला वैल्यू पुट कर देना, ये वैल्यू आपको वहां पर पुट कर देना है। चलिए फिर से हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं। तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, तो आपको वैल्यू एज इट इज पहले लिख लेना, ऊपर वाला 8.314 जूल पर मोल इंटू केल्विन और इंटू 300 केल्विन का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ये जो 6000 जूल पर मोल था, यहाँ क्या लिखना है? ये लिखना है 12 × 10⁴ जूल पर केजी। अब देखिएगा आपका जो प्रॉपर यूनिट में एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। तो देखिए पहले यूनिट देख लेते हैं, यूनिट में क्या होगा, देखिए यहाँ से जूल कैंसिल हो जाएगा, ये मोल बचा रहेगा केल्विन से, इधर एक केल्विन कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा ये, और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 6.23, और यूनिट आपका आ गया, यूनिट आ गया, देखिए यहाँ से केल्विन बचा और ये केजी चला गया न्यूमरेटर में, ये वाला केजी, तो केल्विन केजी पर मोल, ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है ये क्वेश्चन, 1 मोल यूरिया, यूरिया मतलब एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, उसको 1 kg सॉल्वेंट में मिक्स किया गया। ठीक है, सॉल्वेंट का केएफ दिया हुआ है 2 केल्विन kg पर मोल, और सॉल्वेंट का नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 300 केल्विन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सो फॉर्म्ड। ये जो सोल्यूशन बना है, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, बेसिकली आपको डेल्टा टीएफ निकालना पड़ेगा पहले। तो चलिए आप लोग पॉज करके वीडियो को सॉल्व कर लीजिएगा और फिर मेरा सोल्यूशन देखिएगा, पहले पार्ट का सोल्यूशन देखने के बाद फिर से वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर दूसरा पार्ट सॉल्व कीजिएगा और फिर दूसरे पार्ट का सोल्यूशन देखिएगा। तो चलिए पहले पार्ट का सोल्यूशन, तो आपको सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकालना पड़ेगा, और डेल्टा टी एफ होता है के एफ इंटू मोलैलिटी, और के एफ का वैल्यू है 2 केल्विन kg पर मोल, और मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सोल्यूट का मोल कितना है? यूरिया है जो कि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, और वो है 1 मोल, और सॉल्वेंट का मास है केजी में 1 kg। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए ये केजी केजी कैंसिल हो गया और ये मोल से मोल कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 2 केल्विन। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का चेंज आ गया 2 केल्विन, तो इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट यानी 2 केल्विन का चेंज, यानी कि 2 केल्विन फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, तो टी एफ डैश यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट आपका हो गया 300 माइनस 2, 300 माइनस 2 केल्विन, दैट इज 298 केल्विन, ये आपका आंसर हो गया। और इस आंसर को हम यहाँ पर पहले पार्ट के साइड में यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो ये इसका आंसर आ गया पहले पार्ट का 298 केल्विन। ठीक है, अब फिर से आप लोग वीडियो पॉज कीजिएगा, दूसरे पार्ट को सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद मेरा सल्यूशन चेक कीजिएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट कहता है इफ आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, द सल्यूशन फ्रीजेस एट 296 केल्विन। अरे ये कैसे हो सकता है, हमने तो पता किया कि सल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था 298, ये बोल रहा है फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया 296 केल्विन। देन कैलकुलेट, एक सी यहां पर एक्स्ट्रा आ गया है, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट हैज बीन कन्वर्टेड टू सॉलिड। चलिए पहले देखते हैं
ये फ्रीजिंग पॉइंट 296 पर आया कैसे होगा? तो देखिए, आपके पास ये एक कंटेनर है और जिस कंटेनर में आपका लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है, और इस लिक्विड के साथ साथ क्या है, इसमें मिला हुआ है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। तो देखिए, हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जैसे जैसे आप इसको फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, आप इसको कूल कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, इस सोल्यूशन का जो कुछ पार्ट है वो सॉलिड बन जाएगा। तो ये कुछ पार्ट बन गया है सॉलिड, और जो बचा हुआ पार्ट है वो लिक्विड स्टेट में इधर है। तो हो क्या रहा है कि जो लिक्विड पार्ट है, तो जितना भी सोल्यूट पार्टिकल है, ये जो सोल्यूट पार्टिकल है, ये सभी सोल्यूट पार्टिकल चले जा रहे हैं लिक्विड वाले पोर्शन में। यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं, और ये हमें मानना पड़ता है, और ऐसा ही जनरली होता है कि ये जो सोल्यूट है, सोल्यूट डू नॉट या डज नॉट फ्रीजेस, सोल्यूट फ्रीज नहीं करता है, वो किधर आ जाता है, डज नॉट फ्रीजेस, इट रिमेन्स इन द सोल्यूशन, इट रिमेन्स इन सोल्यूशन, इन सोल्यूशन, ये सोल्यूशन में मिलता चला जाता है। यानी कि देखिए, आप अगर आपके पास अगर सॉल्वेंट मान लीजिए वाटर है, तो ये आपका हो गया आइस और ये हो गया वाटर। तो बेसिकली कोई भी सोल्यूट होता है ना, वो वाटर में ज्यादा घुलता है, आइस में नहीं घुलता है। इसीलिए जब आइस बनने लगता है, यानी कि ये सॉलिड जब फ्रीज होने लगता है, लिक्विड जब आइस बनने लगता है, तो सोल्यूट उधर से निकल के किधर चला जाता है, ये सभी सोल्यूट आ जाते हैं आपको लिक्विड के अंदर। तो हुआ क्या, देखिए, धीरे धीरे इस लिक्विड के अंदर सोल्यूट तो वही है, सोल्यूट का अमाउंट फिक्स्ड है, और लिक्विड का अमाउंट कम होता जा रहा है। तो होगा क्या, आपका टाइम के साथ साथ मोलैलिटी, ये देखिए, इस कंटेनर में मोलैलिटी होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट जो कि फिक्स्ड है, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास लेना पड़ता है आपको किसमें, केजी में। सॉल्वेंट का मास घटता चला जा रहा है, ये फिक्स्ड है, ये है कांस्टेंट आपका, तो मोलैलिटी बढ़ता चला जाएगा। और जब मोलैलिटी बढ़ता जाएगा तो होगा क्या, डेल्टा टी एफ है के एफ इंटू एम, मोलैलिटी आपका बढ़ रहा है, तो क्या होगा, डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बढ़ेगा। यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीमेंट हो रहा है, वो डिक्रीमेंट ज्यादा ज्यादा होता चला जाएगा, और इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट घट के कितना आ गया है, 296 आ गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब फ्रीजिंग पॉइंट घट के 296 आया है, उस टाइम तक कितना लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो गया था। तो चलिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले आप ये देख लीजिए, हमने जो फ्रीजिंग पॉइंट और फर्दर क्यों कम हुआ है, इसको जो एक्सप्लेन किया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो हमें पता है कि जो पार्ट टू को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें जो डेल्टा टी एफ डैश है, नया टी एफ, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ है, तो फ्रीजिंग पॉइंट पहले सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था 300, और फाइनली कम होकर कितना आ गया, 296, यानी 4 केल्विन कम हो गया है। 300 माइनस 296 केल्विन, तो फ्रीजिंग पॉइंट का एग्जैक्ट डिप्रेशन हुआ है 4 केल्विन। तब हम क्या करते हैं कि डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ये जो कि कांस्टेंट है, इनटू मोलैलिटी जो कि चेंज हो रहा है। और मोलैलिटी कैसे चेंज हो रहा है, देखिए, डेल्टा टी एफ आपका 4 केल्विन, के एफ कितना है, के एफ दिया हुआ है 2 केल्विन केजी पर मोल, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनटू मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सोल्यूट जो कि 1 मोल है, वो सोल्यूट का मास तो चेंज हो नहीं रहा है, जो भी सोल्यूट है वो लिक्विड के अंदर रह रहा है, तो सोल्यूट है 1 मोल। सॉल्वेंट में देखिए क्या हुआ है कि कुछ लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, यानी सॉल्वेंट कम हो गया है। तो इस फॉर्मूला में हमें मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है, तो यहां पे लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट, और फिर यहां से हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करके मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेते हैं। तो यहां से आपका देखिए मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, ये मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट ये आ गया इज इक्वल टू, ये आ गया 0.4
फाइव इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ गया, 2/4 0.5 kg। तो ये जो सॉल्वेंट का मास है ये सॉल्यूशन के अंदर है, यानी ये लिक्विड स्टेट में है, ये सॉल्यूशन के अंदर है, यानी कि सॉल्यूशन की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में। तो कितना मास सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया होगा? तो मास कन्वर्टेड टू सॉलिड, तो आपको पता है टोटल 1 kg तो था ही सॉल्वेंट। देखिए शुरुआत में क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो 1 kg सॉल्वेंट था, उसमें 0.5 kg सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड स्टेट में है, तो सॉलिड कितना बन गया? 1 - 0.5 kg कन्वर्ट हो गया है सॉलिड में, तो आंसर आ गया 0.5 kg सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों क्लास के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो रहा है, हमने बोला था इसमें दो बातें करेंगे, एक तो ये कि इसको क्वांटिफाई किया जाए कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कितना होता है, कितना सोल्यूट मिलाएंगे तो कितना डिप्रेशन होगा, हाउ मच, कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। तो क्वांटिफाई किया हमने एक फॉर्मूला से, क्या फॉर्मूला है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और दूसरा बात हम बोले थे करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होता क्यों है, वाय। तो बच्चों हम आज के क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। तब तक आपको हम ये होमवर्क देते हैं कि आपको सोचना है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम हुआ था। हमने आपको बताया था, याद आ रहा हो कि डेल्टा टीबी में हमने आपको बताया था कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्यों हुआ था। अब ये वाला क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन क्यों हुआ है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको अगले क्लास तक ढूंढने का कोशिश करना है। नहीं मिले या मिल जाए, किसी भी केस में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। तो चलिए हम अभी आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं इस लेक्चर पर बेस्ड एक्सरसाइज, और उसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों आज के लेक्चर पर बेस्ड एक्सरसाइज 9th जो है आपके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है। ये एक्सरसाइज 9th में 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। 3 ऑब्जेक्टिव इधर डिस्प्ले हो रहा था, अभी ये टोटल आपके सामने 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी दिखाई दे रहा है, और फिर ये टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर कीज आपको दिए हुए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।